और यहाँ से देख सकते हो पीछे आप लोग गेट है अभी साइड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहे सुबह के 9:30 AM हो रहे हैं यार। तो आई होप आप लोग भी अब उठ गए होंगे, मेरी तरह आलसी नहीं हो गया आप लोग भी उठ गए होंगे अभी। तो 9:30 AM हो रहा है अभी, और अभी हम लोग जाने वाले हैं बहुत मस्त प्लेस पे भी हम लोग जाने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो अगर मज़ा आए तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं लाइक कैसा है वहाँ पर क्या कुछ है। तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब आप लोग। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। और अभी हम लोग जाते वाली जगह पे, आप लोगों को इस चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगे। तो चलते हैं ब्लॉग पर। तो यार कहीं भी जाने से पहले या कहीं पे भी जा, तो नहाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यार It was at this moment that he knew he fucked up. स्मेल आती है यार। तो यार मजाक कर रहा हूँ, बिना नहाए भी आप लोग जा सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो अभी जो हम लोग पहले टोटी ऑन कर लेते हैं, पानी देखो भर लेते हैं अपना, हम लोग पहले बाल्टी में, क्योंकि मेरे घर में गीजर वीजर नहीं है, तो इसे मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग पहले नहा लेते हैं और दिन बाद आपसे मिलता हूँ। अब नहाता हूँ तो मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। तो पहले नहा लेते हैं, देन आपसे बाद में मिलते हैं हम लोग। तो यार अभी हम लोग जो है नहा वहा के आ चुके हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले हमारे दोस्त के घर, क्योंकि हमारे दोस्त के घर जाना, फिर वहाँ से जो हम लोग जाएंगे वहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए। तो पहले भी हम लोग चलते हैं हमारे दोस्त के घर और सीधा आपको व्लॉग में दिखाते हैं हम लोग। साले इतना टाइम लगा हो गया आने में। तो यार साहिल आ चुका, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। सभी हम लोग आ चुके हैं साई मंदिर पे, और यहाँ से जो 1 किलोमीटर की दूरी पे जो साई मंदिर है। तो अभी देख सकते हो साहिल जो है मेरे साथ है अभी, और यहाँ से देख सकते हो पीछे आप लोग गेट है अभी साई मंदिर का। तो अभी हम लोग को यहाँ से आगे जाना है, और आगे जाके 1 किलोमीटर है शायद यहाँ से, बाहर बोर्ड लगा था। तो अभी हम लोग चलते साई मंदिर के अंदर सीधा, वहाँ पर हम लोग आपसे मिलते हैं। तो यार अभी हम लोग जो है साई मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और धूप से यार बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, और देख सकते हो पेड़ पौधे, मतलब जंगल टाइप का एरिया लग रहा है पूरा। धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज, और लोग चेहरे से पता लगा सकते हो। तो अभी देखते हैं और कितना हम लोगों को आगे तक चलना है। बोर्ड पे तो 1 ही किलोमीटर दिखा था, पर अभी देखते हैं कितना चल सकते हैं हम लोग, मतलब कितना आगे अब देखते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग जो है साईं मंदिर आ चुके हैं, और पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो, मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर साईं मंदिर। तो अभी हम लोग वहीं पर आ चुके हैं, और अभी हम लोग चलते साईं मंदिर की तरफ। तो आगे ही अभी हम लोग चलते साईं मंदिर दर्शन से करते हैं, आपको दिखाते अंदर का क्या सीन है अभी। तो अभी चलते सीधा साईं मंदिर के अंदर हम लोग। तो यार गाइस देख सकते हो हम लोगों ने जो प्रसाद वसाद ले लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे दुकानें वकानें भी लगी हुई हैं जो प्रसाद की होती हैं, देख सकते हो आप लोग। और ये रहा गाइस, देख सकते हो आप लोग मेन गेट है ये मंदिर का। तो अभी हम लोग को जाना, इसके बगल से एंट्री है। तो देख सकते हो यहाँ पर पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, और यहाँ से जो एंट्री है गाइस। तो अभी हम लोग को यहाँ से जाना, देखो लिखा हुआ साईं दरबार। तो यहाँ से भी जाना हम लोग को अंदर की तरफ, देख सकते हो भंडारे की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और अंदर जो है देख सकते हो, ये रहा कुछ अंदर का सीन है गाइस यहाँ पर, और देख सकते हो देखने पे तो बहुत ही मस्त लग रहा है यार यहाँ पे। और अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे देखते हैं कैसा है लाइक क्या। अभी देख सकते हो अंदर तो बहुत ही मस्त लग रहा है, तो अभी हम लोग आपको पूरा विजिट करके दिखाने वाले कैसा लाइक अंदर का सीन।
अभी हम लोग साई मंदिर के अंदर, और अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि दर्शन कर रहे हैं साई मंदिर का हम लोग, और पीछे आप लोग देख सकते हैं मंदिर है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को एंड तक देख रहे, बहुत मजा आने वाला ब्लॉग को। और अभी सीन देख सकते हो आप लोग, नारियल सब लोगों ने फोड़ चुका है, तो अभी चलते आगे की तरफ हम लोग। ये कुछ आते हुए अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने, और देख सकते हो साहिल है। साहिल कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो नीम का पेड़ है उसके नीचे जो प्रसाद वगैरह यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है, और ये देख सकते हो आप जो हवन कुंड है जहाँ पे अग्नि जलती रहती है, हमारे प्रसाद में भी एक सामग्री दी गई है इसके अंदर डालने के लिए, तो अभी मैं भी जाने वाला हूँ इसके अंदर डालने के लिए जो सामग्री दी गई है। अभी तक मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी पूरे ने दर्शन किए, अभी थोड़े हुआ पे अभी हम लोग मतलब बैठे हुए यहाँ पे रूम टाइप का मंदिर ही, मतलब रूम टाइप का बनाया गया बैठने की सुविधा यहाँ पे, अभी हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी हम लोग, और जो भीड़ भी जो बहुत ज़्यादा भीड़ भी आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी। तो यार गाइस अभी जो है हम लोग साईं मंदिर से जो है निकल चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे घूमने में, मतलब दर्शन वर्शन करने में। और प्रसाद अभी आपने देख सकते, प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, तो अभी देख सकते यहाँ से हमको जो है चल के जाना है कम से कम 1 किलोमीटर, तो चल के जाना है वहाँ से, कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, तो वहाँ से फिर हम लोग लेंगे सवारी और फिर वहाँ से जाएँगे कल्याणपुर, और कल्याणपुर से फिर हमको जाना अपने घर की तरफ, और घर से फिर जाएंगे उसका कोचिंग वोचिंग हम लोगों की। पहले भी चलते हैं यहाँ से आगे है ना, वहाँ से फिर सवारी मिली कानपुर, तो अभी चलते सीधा आगे।